नमस्कार फ्रेंड्स, पीसफुल होम एंड एनवायरनमेंट चैनल में आप सबकी स्वागत है और मैं मिसेस थारा। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ एमरेलिस लिली के बारे में बात करेंगे। एमरेलिस लिली एक बहुत ही ब्यूटीफुल समर सीजन की फ्लावरिंग प्लांट है। ये पौधा बहुत आसानी से ग्रो होती है और बहुत आसानी से इस पौधे से फूल भी मिलती है, लेकिन कुछ लोगों की शिकायत होती है कि उनकी एमरेलिस लिली फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं, तो उसके कुछ पर्टिकुलर कारण होती है। उसका कारण यह है कि एमरेलिस लिली की लाइफ सर्कल में 3 स्टेजेस होती है। एक है ग्रोइंग स्टेज, एक है फ्लावरिंग स्टेज और एक होती है रेस्टिंग स्टेज। और ये रेस्टिंग स्टेज इस पौधे से फूल मिलने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। बहुत सारे गार्डनर्स को इस बारे में पता नहीं है कि इस पौधे को डोरमेंसी में अच्छी तरह से इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देना चाहिए, और अगर हम लोग रेस्टिंग पीरियड में या डोरमेंसी पीरियड में भी इस पौधे में खाना या पानी देते रहेंगे तो ये पौधा डोरमेंसी में नहीं जा पाते हैं, ये ग्रोइंग पीरियड में ही रह जाते हैं, और इसलिए जब फ्लावरिंग करने की समय होती है तो ये पौधा फ्लावरिंग नहीं करते हैं। तो इसलिए इसकी एमरेलिस लिली की जो पौधा है इसको रेस्टिंग पीरियड में किस तरह से केयर करना है ये बात तो मैं बताऊँगी ही, उसके साथ साथ एमरेलिस लिली को कैसे लगाना है और इसकी केयर कैसे करनी है ये बात भी मैं आज की वीडियो में हमें आपको बताऊंगी। एमरेलिस लिली एक बल्बस पौधा है, बल्ब से इस पौधे को लगाया जाता है। ये एक पेरेनियल पौधा है, आप साल के किसी भी समय इस पौधे को लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये समर फ्लावरिंग प्लांट है इसलिए आप अगर फरवरी मार्च के महीने में जब टेम्परेचर 15 डिग्री से ऊपर जा रहा है तब अगर लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बल्ब लगाने की 8 से 10 हफ्ते में ये पौधा फ्लावरिंग करते हैं। बल्ब आप जब खरीदेंगे नर्सरी से तब जरूर देख के लीजिएगा कि बल्ब बड़े साइज के हो और मैच्योर हो। एमरेलिस के मैच्योर बल्ब से ही आपको फूल मिल सकते हैं। आप अगर छोटे साइज के इमैच्योर बल्ब लेंगे तो उससे आपको फूल नहीं मिल सकती। एमरेलिस लिली की बल्ब अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो 8 से 10 इंच की गमला लीजिए, और 8 से 10 इंच के गमले में आप 3 से 4 बल्ब ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग जो मिट्टी बनाएंगे वो होंगे वेल ड्रेन, क्योंकि ये एक बल्बस पौधा है। कोई भी बल्ब आप लगा रहे हैं तो उसके लिए वेल ड्रेन मिट्टी जरूर लेंगे, क्योंकि मिट्टी अगर वेल ड्रेन नहीं होगी, अगर मिट्टी में पानी रुकेंगे तो बल्ब डैमेज हो सकते हैं। इसलिए एमरेलिस लिली को लगाने के लिए हम लोग मिट्टी ऐसे बना सकते हैं। इसके लिए हम लोग एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा बालू, एक हिस्सा कंपोस्ट ले सकते हैं, और नहीं तो हम लोग एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा बालू, एक हिस्सा कंपोस्ट और एक हिस्सा कोकोपीट मिला के भी इसकी पॉटिंग मिक्स तैयार कर सकते हैं। उसके साथ 1 से 1.5 चम्मच बोन मील और 1 से 1.5 चम्मच नीम की खली अगर मिला लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा इस पौधे के लिए। लेकिन आपके पास अगर नीम खली या बोन मील नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ मिट्टी, बालू, कंपोस्ट या आपके पास अगर कोकोपीट है तो उसी को मिला के आप इसके लिए पॉटिंग मिक्स तैयार कर सकते हैं। पानी हम लोग थोड़ा मिट्टी चेक करके ही देंगे, क्योंकि बल्बस पौधा को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप जब देखेंगे कि मिट्टी थोड़ी सी ड्राई हुई है तभी आप वाटरिंग करेंगे, नहीं तो वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये समर फ्लावरिंग प्लांट है इसलिए आप इसको पूरे दिन की धूप वाले जगह पर रख सकते हैं, और नहीं तो मिनिमम 5 से 6 घंटे की धूप आपको देना ही पड़ेगा इससे फूल लेने के लिए। और इस पौधे में मैं पेस्ट अटैक कभी भी नहीं देखी हूँ, इसलिए मैं नीम तेल या किसी भी तरह की पेस्टिसाइड मैं एमरेलिस लिली के पौधे में छिड़काव नहीं करती हूँ। अभी चलिए हम लोग जानते हैं कि रेस्टिंग पीरियड में हम लोग इसकी केयर कैसे करेंगे।
मेरे जो ये छोटा वाला गमला आप देख रहे हैं, इस गमले में मैं 3 मैच्योर बल्ब लगाई थी और तीनों मैच्योर बल्ब फ्लावरिंग कर चुका है। इस गमले के पौधे से मुझे और फूल नहीं मिल सकती, इसलिए इस बल्ब को हम कैसे रेस्ट में रखेंगे या डोरमेंसी के समय पर इसको कैसे हम लोग देखभाल करेंगे, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो डोरमेंसी के लिए या एमरिलिस लीली की बल्ब को रेस्ट देने के लिए आप या तो गमले से इसको निकाल के मिट्टी को पूरी तरह से साफ करके आप किसी एयर टाइट कंटेनर में आप रख सकते हैं, और नहीं तो आप इस बल्ब को गमले में भी छोड़ सकते हैं। तो मैं ये जो छोटा वाला गमला है इसमें जो बल्ब है इसको मैं इसी के अंदर रखेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितनी भी लीव्स है उसको काट के हटा देंगे। रेस्टिंग पीरियड में लीव्स रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप गमले से बाहर निकल रहे हैं तो भी लीव्स को पूरी तरह से काट के हटा देंगे और मिट्टी को भी पूरी तरह से निकाल के थोड़ी सी धूप लगा के आप एयरटाइट कंटेनर में रख देंगे। और अगर आप गमले में रख रहे हैं तो इस तरह से पहले आप सारे लीव्स को काट के हटा दीजिए, उसके बाद मिट्टी को थोड़ा गुड़ाई करके ऐसे लूज कीजिए, और उसके बाद जो करेंगे वो है 1 से 1.5 चम्मच बोन मील हम लोग मिट्टी में अगर मिला देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये काम हम लोग सितंबर या अक्टूबर के महीने में कर सकते हैं, क्योंकि नवंबर के समय से ये पौधा डोरमेंसी में चला जाएगा। बल्बस पौधा को कोई भी बल्बस पौधों को बोन मील बहुत पसंद होती है, इसलिए रेस्टिंग में जाने से पहले इस पौधे को 1 से 1.5 चम्मच बोन मील इसकी मिट्टी में ऐसे मिला देंगे और थोड़ी सी पानी डाल देंगे। सितंबर या अक्टूबर के महीने में हम लोग ये काम करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी 3 से 4 दिन के अंतराल में हम लोग इसको देंगे सितंबर या अक्टूबर के महीने में। और नवंबर के महीने से हम लोग इसमें पानी या फर्टिलाइज़र डालना बिल्कुल बंद कर देंगे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये 3 महीना ये पौधा डोरमेंसी में रहेगा, और फिर फरवरी में या मार्च में जब टेम्परेचर 15 डिग्री से ऊपर जाएगा तब हम लोग एयरटाइट कंटेनर से बल्ब को निकाल के, या हम लोग अगर ऐसे गमले में छोड़ेंगे बल्ब को तो भी गमले से बल्ब को निकाल के नए मिट्टी में हम लोग लगाएंगे और इस पौधे को तैयार करेंगे फ्लावरिंग के लिए। और इस तरह से आप अगर एमरिलिस लिली को देखभाल करेंगे तो आपका एमरिलिस लिली जरूर फ्लावरिंग करेंगे, आपका समर गार्डन एमरिलिस लिली से सुंदर तरह से सजा रहेगा। तो फ्रेंड्स आज इतना ही, नमस्कार।